हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम रोमन ट्रेड के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे पढ़ते हैं। बुद्धिज्म कंटिन्यूज टू प्रोपोगेट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कुशांस इन 3rd century BCE। नालंदा बिकम एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग विच ओवर टाइम बिकम अ फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। मैनी चाइनीज पिलग्रिम्स एंड मॉन्क्स कम टू इंडिया to visit the place associated with Buddha. One of these was Fayan, who visited India in the 5th century CE. He was a scholar who stayed at Pataliputra for 3 years and also learned Sanskrit when he returned to China. He translated some Buddhist texts into Chinese language. 3rd century में कुषाणों के पतन के बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार जारी रहा। नालंदा में सीखने का एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था, जो समय के साथ जो है प्रसिद्ध बौद्ध यूनिवर्सिटी बन गई थी। कई चीनी तीर्थयात्री और भिक्षु है बुद्ध से जुड़े स्थानों का दौरा करने के लिए भारत आए थे। इनमें से एक था फायान, जिन्होंने जो कि 5th century CE में भारत का दौरा किया था। वह एक ऐसे विद्वान थे जो 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहे और संस्कृत भी सीखी। जब वह चीन लौटे तो कुछ बौद्ध ग्रंथों को का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। एक अन्य फायन अनादर चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया इन द 7th century CE। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 14 years एंड स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। ही टुक मैनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत बैक टू चाइना एंड ट्रांसलेट इन टू दैम इन टू चाइनीज। इसके अलावा जो है फायन के अलावा जो है एक अन्य चीनी यात्री वेन सांग, जो कि 7th century CE में भारत की यात्रा की थी, वह 14 साल तक भारत में रहा और नालंदा यूनिवर्सिटी में उसने स्टडीज़ की। उन्होंने कई बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत में लिखे गए थे उन्हें चीन ले गए और चीनी भाषा में जो है उनका ट्रांसलेशन किया। सेंट्रल एशिया वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, वेयर द महायान सेक्ट स्प्रेड रैपिडली। द सिल्क रूट प्रोवाइडेड अ मीटिंग पॉइंट फॉर सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड पर्शियन। द रूट इंडिया सेंट्रल एशिया इंडिया एंड पर्शिया। द रूट इज बिलीव्ड टू हैव बीन लाइंड विद मॉन्स्टेयर्स एंड स्टूपास टू प्रोवाइड शेल्टर एंड हेल्प टू ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। सेंट्रल एशिया भी बौद्ध धर्म से प्रभावित था। यहाँ महायान संप्रदाय तेजी से फैल गया। सिल्क रूट में सेंट्रल एशिया, इंडिया और उसके अलावा जो है पर्शिया के लिए एक मीटिंग पॉइंट था सिल्क रूट। ऐसा माना जाता है कि मार्ग को मठों और स्तूपों के साथ बिलीव दैट लाइंड और मठ और स्तूप जो थे वो के साथ रखा गया था ताकि व्यापारी और जो यात्रियों को आश्रय और मदद मिल सके। बुद्धिस्ट स्प्रेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया। महायान बुद्धिज्म स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। द मायान सेक्ट फॉलोज वर्शिप वेरियस इनकारनेशन ऑफ बुद्धा कॉल्ड द बोधिसत्व। हीनयाना बुद्धिज्म स्प्रेड टू श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया।
बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया था। भारत के बाहर महायान बौद्ध धर्म सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान में फैल गया। महायान जो सेक्ट था के जो अनुयायी थे ने बुद्ध के विभिन्न अवतारों की पूजा की, जिन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। हीनयान बौद्ध धर्म श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया में फैला। फिर इमरजेंस ऑफ भक्ति का उद्भव। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्शिप और सर्टेन डाइटीज विच बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन्ड ऑफ इम्पोर्टेंस। दीज डाइटीज इंक्लूड शिवा, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा। यह वह समय था जब कुछ देवताओं की पूजा जो बाद में हिंदू धर्म की एक विशेषता बन गई थी को महत्व मिला। इन देवताओं में शिव, विष्णु और देवी जैसे कि दुर्गा शामिल थे। दिस डाइटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति एन आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डेवोटीज टू हीज और हर चूजन डाइटीज। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वूमन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। इन देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से की जाती है और एक ऐसा विचार जो बहुत लोकप्रिय समय तक बन गया था। भक्ति का आमतौर पर किसी व्यक्ति की भक्ति के रूप में समझा जाता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे उच्च या निम्न जाति से संबंधित पुरुष महिला भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते हैं। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, अ स्केर्ड बुक ऑफ द हिंदूज विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। इन दिस कृष्णा आस्क अर्जुन द हिज डिवोटीज and friends to abandon all dharmas and take refuge in him as only he can set Arjuna's free from every evil. This form of worship gradually spread to different part of our country. Those who followed the system of bhakti emphasis devotions and individual worship of a god and goddess rather than the performance of elaborate sacrifice. According to this system of belief, if a devotee worship the chosen deities with a pure heart and deity will appear in the form in which he or she may desire, so the deity could be thought of as a human being, lion, tree and any other forms. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. भक्ति का जो विचार है, भक्ति का जो आइडिया है वो भगवत गीता में मौजूद है, जो हिंदुओं का एक पवित्र पुस्तक है जो महाभारत में शामिल है। इसमें कृष्ण अर्जुन उनके भक्त और मित्र से पूछते हैं सभी धर्मों को त्याग दें और उनकी शरण लें, क्योंकि वे केवल अर्जुन को कभी भी बुराई से मुक्त न कर सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। भक्ति की प्रणाली का अनुसरण करने वालों ने विस्तृत बलिदानों के प्रदर्शन के बजाय भक्ति और भगवान की या देवी की व्यक्तिगत चिंता पर जोर दिया है। यह विश्वास प्रणाली के अनुसार यदि कोई भक्त चुने हुए देवता
की शुद्ध मन से पूजा करता है तो देवता उस रूप में प्रकट होंगे जिसमें वह इच्छा कर सकता है। तो देवता को यह को एक इंसान, शेर, पेड़ या किसी अन्य रूप में सोचा जा सकता है। एक बार इस विचार को स्वीकृति मिल गई, कलाकारों ने इन देवताओं की सुंदर छवियां बनाई। विष्णु के रूप में मध्य प्रदेश में विष्णु को जो है वाराह के रूप में मध्य प्रदेश में जो है ईरान में बनाया एक इमेज बनाई हुई है। फिर है भक्ति। द टर्म भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड भज, मीनिंग ऑफ डिवाइड, मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। दिस सजेस्टेड एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटीज एंड द डिवोटीज। भक्ति इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स भगवद गीता विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड बट ऑल्सो मीन वन हु पसेस द शेयर भग। भक्ति जो शब्द है संस्कृत शब्द भज से आया है। इसका अर्थ है बांटना, डिवाइड या शेयर। देवता और भक्त के बीच अंतरंग या दो तरफा संबंध का सुझाव इसमें मिला है। भक्तियों ने भागवत को की ओर निर्देशित किया गया है जिसे अक्सर भगवान के रूप में अनुवादित किया गया है, लेकिन इसका अर्थ भी है भाव, अर्थ भी है जो भाव रखता है, और उसका शाब्दिक अर्थ है सौभाग्य और या आनंद। भक्त या भगवता के रूप में जाना जाने वाला भक्त अपने चुने हुए देवता को भगा साझा करता है। थैंक यू।